प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगी बल्कि दमदार भी होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नाज़िया जी, क्या कहना है आपका ये मुख्तार अंसारी की डेथ पे और उसके बाद के संतान? देखिए, मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या बुरहान हो या अफजल गुरु हो या याकूब मेमन हो या अजमल कसब हो, ऐसे लोगों की जब हत्या होती है या मौत होती है या हार्ट अटैक आता है, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद। हमारे मुसलमान लोग इस बात को बोलते हैं। कोई अगर आतंकी, कोई अगर जिहादी, कोई अगर गैंगस्टर मरता है, तो मेरे जैसा शिक्षित मुसलमान आंसू क्यों बहाएगा, क्यों बहाएगा? देखिए, मैं जिस यूनिफॉर्म में बैठी हूँ, उस यूनिफॉर्म में क्रिमिनल को क्रिमिनल बोला जाता है। और एक जमाने से, 1947 से अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए, तो मुसलमानों ने अपने आप की आइडेंटिफिकेशन दी है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल नेचर मुसलमानों के अंदर रहा है। हालांकि भारत में हमेशा लोगों ने यह समझाने की और बताने की कोशिश की है कि क्राइम की और क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है, पर क्यों अफजल गुरु ही हमारे भारत के पार्लियामेंट पर अटैक करता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों अजमल खसब ही आकर के इतनी बड़ी घटना और टेररिज्म एक्टिविटीज करके चला जाता है, क्यों अतीक अहमद ही गैंगस्टर निकलता है, क्यों मुख्तार अंसारी ही गैंगस्टर निकलता है, तो ये भी तो बहुत सोचने की बात है ना। क्यों नासिर खान ही बलात्कार करता है, क्यों आफताब ही बलात्कार करके वोटियां करता है, तो ये सब बहुत सोचने की बात है कि क्यों मुसलमान लफंदर लौंडे ही मुसलमान बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद करता है और हिंदू बेटियों के साथ भी लव जिहाद करता है, तो बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में एक कन्विक्टेड असामी, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल अक्यूज, जो 65 से ऊपर क्रिमिनल केसेस जिसके ऊपर दर्ज थे और 8 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जो गैंगस्टर एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हुए थे। अब आती है बात के पॉलिटिकल चेयर को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मदद से किसने नहीं बनाया गैंगस्टर का चेयर या किसने नहीं बनाया मुगलों का तख्त, बहुत लोगों ने बनाया। आप आजम खान को देख लीजिए, आप बहुत सारे, हम यासीन मलिक को देख सकते हैं कि यासीन मलिक पहले मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ करके डिनर किया करता था, डिनर पे और तालाब हुआ करता था, मानो जैसे किसी बहुत बड़े डिप्लोमेट से बात हो रही है हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ। तो कांग्रेस की सरकार जब तक भारत में थी, तब तक ऐसे ऐसे गैंगस्टर्स को रोटी वोटी पना और खुला हाथ भी दिया जाता था और साथ साथ तलवार भी दिया जाता था। अब शायद आपको रोहित भाई, क्योंकि आप बहुत रिनाउंड इतने बड़े चैनल पे काम कर चुके हैं, तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने तलवार की बात क्यों निकाली। मुख्तार अंसारी, आपको याद होगा, एक क्लिप याद होगा कि वो अपने जीप पर बैठ करके अपने गैंगस्टर टीम के साथ खुली तलवार लेकर के वो उत्तर प्रदेश की गलियों में चला करता था, खुली तलवार लेकर। तो मुसलमानों को उनके मजहब की किताब में तलवार दिखा करके शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके महिलाओं का शलवार उतरवाना, ये बहुत जमाने से चला आ रहा है, बहुत जमाने से। हालांकि जिस हिसाब से उनका बेटा विधवा मिलाप कर रहा था और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, तो साफ समझ में आ रहा था कि 700 करोड़ की संपत्ति है मुख्तार अंसारी की और उसी के लिए वो बहुत अपनाइयत दिखाने की कोशिश कर रहा है और अचानक से पिता से, अब्बू जान से बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वो अपने अब्बू जान के लिए एम्स के बारे में बात किया है और सर्वोच्च न्यायपालिका में उसने पिटिशन दिया है, तो देखिए, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका तो अजमल खसब के लिए भी खुला हुआ था, और कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस की सरकार ने मेरे और आपके टैक्स के 30 करोड़ रुपए अजमल खसब पर खर्चा भी किए थे। तो सब पर खुला हुआ है भाई, सबके लिए खुला हुआ है, जा सकता है एम्स में, उस सारे मेडिकल रिपोर्ट्स के की पुष्टिकरण दोबारा कराई जा सकती है। अब क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है कि मुख्तार अंसारी जो है वो शुगर पेशेंट था? क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है कि उसको पहले भी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था?
क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि 2019 में भी जेल के अंदर उसकी तबीयत खराब हुई थी और काफी डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया था? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि इतना शारीरिक तरीके से इतना वीक होने के बावजूद भी वो रोजा रख रहा था, और रोजा के आलम में जिस हिसाब से बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है जब हम रोजा रखते हैं, और उस आलम में उसकी उसकी उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। अब छाती पीटने वाले छाती पीटना स्टार्ट कर दिए हैं बुरहान को, जो शहादत देते थे याकूब मेमन पर, जो की मौत फांसी पर जो शर्मिंदा होते थे, वो फिर से छाती पीटना स्टार्ट कर दिए हैं। अब मुख्तार अंसारी तो चला गया 72 वर्जिन हूरों के पास, और एक बार फिर से भारत के मुसलमानों ने बता दिया आंखों में आंखें डाल करके, भारत की संविधान को ललकार करके, कि भैया हम भारत के आधार कार्ड और भारत के वोटर आईडी कार्ड को जरूर रखते हैं, हम छाती जरूर पीटते हैं टीवी चैनलों पर बैठ करके कि हम संविधान मानते हैं, पर हमारे दिल में शरिया ही बसा हुआ है। और कौन सा शरिया? जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया। मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान, सिर्फ मुझे और आपको और भारत की सरकार को और हर राज्यों की सरकार को धोखा देती है कि वो संविधान मानती है, पर एक भी काम संविधान मानने वाला नहीं करती है। पब्लिक रिएक्शन के द्वारा आप देखिएगा कि जब मुख्तार अंसारी का जनाजा आया था और उसको दफन करने किया जा रहा था, लाखों लोग आए थे, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हालांकि मैं वेस्ट बंगाल में नहीं थी, मैं वाइजैक की टूर पे थी, तो हम सब ने देखा कि लाखों करोड़ों लोगों ने, जैसे याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में मुसलमान गए थे, लेकिन वहीं पर उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज थी तो वहां पर नहीं गए थे मुसलमान। तो मुसलमानों ने हमेशा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन बता के रखा हुआ है कि उनको कैसे मुसलमान पसंद है और कैसे मुसलमान नहीं पसंद है। गैंगस्टर, टेररिस्ट, जिहादी, आतंकी, जंगजू, रेपिस्ट, ये सारे मुसलमान गैदरिंग को बहुत पसंद है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, तारिक फताह जैसे, नाजिया अलाई खान जैसे मुसलमान कभी भी मुसलमान को पसंद नहीं आते हैं। अब नतीजा चला गया है 72 वर्जिन हूर के पास। अब जरा बात कर ले चाचा की भी बात करनी बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी किसका भतीजा है? हमीद अंसारी साहब, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, उनका भतीजा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े ब्रिगेडियर का बेटा पोता था मुख्तार अंसारी, तो जरूरी नहीं है कि घर में अगर कोई पुलिस है तो उस घर में चोर नहीं पैदा हो सकता है, या घर में अगर बहुत सारा फरिश्ता बच्चा पैदा हुआ है तो उस घर में कोई शैतान बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, हो ही सकता है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तार अंसारी के ग्रैंडफादर मोहम्मद उस्मान, जो ब्रिगेडियर थे, जो इंडियन आर्मी के ऑनर थे, जिनको लायन ऑफ नौशेरा कहा जाता था, जो महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, लेकिन अपने दादा अबू पर मुख्तार अंसारी कभी नहीं गया, लेकिन अपने चाचा अबू पर बहुत चला गया हमीद अंसारी साहब। अब लोग सोचेंगे कि नाजिया पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी बात क्यों कह रही है, तो मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि 1990 से 1992 तक हमीद अंसारी साहब ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत बनकर के बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां के रॉ एजेंट के को मरवाने की और वहां के रॉ एजेंट को भारत के रॉ एजेंट के साथ बहुत बहुत सौतेला व्यवहार किया था। तेहरान के साथ मिलकर के और ईरान के साथ मिलकर के भारत को डेवेस्टेट और रूइन करने की और डैमेज करने की बहुत कोशिश की थी, और इसकी एक जिंदा मिसाल है कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट थे, जो तेहरान में भारत के थे और रॉ एजेंट्स थे, उन्होंने 2017 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमीद अंसारी साहब के ऊपर एक जांच एजेंसी बैठनी चाहिए, और उन्होंने 1990 से 1992 तक में तेहरान और ईरान के साथ मिलकर के भारत के जो खुफिया राजों को उन लोगों को दिया है उस पर जांच होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनको, हमीद अंसारी साहब को 10 साल उपराष्ट्रपति बना करके रखा था, और जैसे ही 2017 के बाद ये बातें खुल करके भारतवासियों के सामने खुल करके आई, वैसे ही अलग अलग टीवी चैनलों पर बैठ करके हमीद अंसारी साहब ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि अरे भाई भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है।
अरे भाई भारत में मुसलमान सुरक्षित। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने न सिर्फ ये जो मजहब के ठेकेदार हैं इनकी पोल खोल के रख दी, बल्कि जो चाचा भतीजा की जोड़ी है उनको भी उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।